दिल्ली के बवाना में शनिवार को लगी आग में सिर्फ 17 लोग ही जिंदा नहीं जले, बल्कि इस आग में नेताओं की संवेदनशीलता भी जलकर खाक हो गई। 17 परिवार अपनों की मौत पर मातम मना रहे हैं, लेकिन दिल्ली के हुक्मरान इस आग की तपिश में अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे हैं। सभी दिल दहलाने वाली इस घटना का आरोप एक दूसरे पर मढ़ने में जुट गए हैं। बवाना में आग लगने के बाद मौके पर पहुंची उत्तरी दिल्ली नगर निगम की महापौर बीजेपी नेता प्रीति अग्रवाल ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दुख की बात है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी न तो डीएम मौजूद हैं, न ही दिल्ली सरकार का कोई भी प्रतिनिधि। प्रीति अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जवाब दें कि आखिर दिल्ली सरकार कहाँ है, क्या यह दिल्ली का इलाका नहीं है। लेकिन इसी दौरान कैमरे में उनकी एक और ऐसी बात कैद हो गई, जिसके बाद उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। केजरीवाल सरकार पर निशाना साधने के दौरान प्रीति अग्रवाल कहते सुनी गईं कि इस फैक्ट्री की लाइसेंस हमारे पास है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही विरोधियों को हमलावर होने का मौका मिल गया। दूसरी ओर इस घटना के बाद केजरीवाल सरकार भी घिरती दिख रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार के श्रम विभाग का फैक्ट्री निदेशालय फैक्ट्रियों को लाइसेंस जारी करता है। औद्योगिक विभाग के फैक्ट्री एक्ट कार्यालय से भी उद्योगों को मंजूरी लेनी होती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि लाइसेंस जिस काम के लिए दिया गया था उसके बजाय फैक्ट्री में दूसरा काम कैसे हो रहा था और किसी ने उसकी पड़ताल क्यों नहीं की। एक खबर तो ये भी सामने आ रही है कि जिस फैक्ट्री से आग भड़की वो बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी। जानकारी के मुताबिक बवाना में प्लास्टिक सामानों के गोदाम के नाम पर बिना लाइसेंस के पटाखे की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया गया था। पहले एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी और फिर उसने दूसरी प्लास्टिक की फैक्ट्री और एक पटाखा की फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 17 लोग जिंदा जल गए। इससे पहले हादसे पर अफसोस जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपया जबकि घायलों को 1-1 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।